जिंदगी के भिन्न रंगों को समेट कहानी का आकार देता हूं। कुछ इसलिए ही तो कहानीकार कहलाता हूं। मित्रों, हमारी कहानियां सुनने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। कहानियों के घर में आपका स्वागत है। मैं हूं कहानीकार सुधांशु राय और सुना रहा हूं एक अलग कहानी, मिसेस स्टोन। ऋतुज आज फिर से अपने रूटीन के मुताबिक ठीक 9 बजे की ट्रेन से घर लौट रहा था। आगे बढ़ती ट्रेन में खिड़की के किनारे बैठा वो रोज की तरह बाहर के नजारों में खो गया। ऊंची बिल्डिंगों के बीच वो अक्सर अपनी उड़ान को खोजता। अनेकों टिमटिमाती लाइट्स उसके मन को मोह उसे ख्वाबों की दुनिया में धकेलना चाहती। आखिर ऋतुज का सपना भी तो यही था कि वो दुनिया घूमे, नए नए लोगों से मिले, वहां के तौर तरीकों को जाने। पर नौकरी जहां, बसेरा भी वहीं होता है। उसने पिछले 2 सालों में लगभग हर एप्लीकेशन को रिजेक्ट होता पाया था। जब भी किसी विदेशी कंपनी में नौकरी की खबर लगती, ऋतुज एक नए उत्साह के साथ अप्लाई कर देता, पर उसकी हर गुहार मानो नकार दी जाती। उसको पता था आज उसके घर कोई लेटर आया है। जानबूझकर उसने कंपनी की ईमेल चेक भी नहीं की। हार का डर अक्सर हमें धूमिल कर देता है कि जीत कोई गैर एहसास सा बन जाता है। उसको यकीन था कि स्कॉटलैंड की उस कंपनी ने भी उसके एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया होगा, और हमेशा की तरह यह नौकरी भी किसी और की हो गई होगी। घर पहुंच उसने डिनर कर खुद को सोफे पर बिखेर दिया। टीवी फिर से चलने लगी और नींद का घेराव भी बन गया। आधी खुली आंखों से वो टीवी को निहार रहा था कि अचानक किसी आवाज ने उसको भौचक्का कर दिया। वो तुरंत उठकर खड़ा हो गया। उसे लगा मानो उसके कानों में कोई कुछ कहकर गया। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थी। नींद उसकी आंखों से उठ चुकी थी, पर उसने जो सुना वो साफ था। उस आवाज के शब्द अजीब थे, ओपन द लेटर। शायद पूरे दिन की सोच उस पर हावी थी और वो खुद भी तो लेटर खोलकर पढ़ना चाहता था। कहते हैं ना, जो मन में होता है हर ओर वैसा ही दिखता है या सुनाई देता है। थोड़ी देर सोच विचार लिए उसने वो लेटर उठा लिया। बुझी सी उम्मीद लिए उसने वो लेटर खोला। जो आंखें ना उम्मीद थी, जो चेहरा हर बार की हार के बाद मायूसी की चादर ओर चला था, आज एक नए उमंग से खिल उठा। ऋतुज का वो भूला बिसरा सपना साकार हो गया था। स्कॉटलैंड की कंपनी ने उसे सिलेक्ट कर लिया था। ऋतुज उस लेटर को लिए झूमने लगा। शरीर के हर अंग में आज ऊर्जा का ऐसा संचार हुआ था मानो वो पूरी रात उछल कूद में बिता सकता था। तुरंत फोन लगा, उसने खबर घर वालों को दे दी। लगभग 40 दिन बाद उसे स्कॉटलैंड पहुंचना था। हर कोई ऋतुज की खुशी में शामिल हो गया। फिर दिन ऐसे बीते मानो समय ने दौड़ लगा दी हो। ऋतुज अपनी रात की फ्लाइट लेने को एयरपोर्ट पहुंच गया। उसे खास उसको छोड़ने भी आए। इमिग्रेशन खत्म कर जब वो प्लेन में बैठा तो खुद के पंख भी महसूस करने लगा। उसे पता था आज प्लेन की उड़ान के साथ साथ वो अपने सपनों की उड़ान भी भरने वाला है। घंटों की फ्लाइट के बाद वो स्कॉटलैंड पहुंच गया। हालांकि चुभो देने वाली ठंड ने उसका स्वागत किया, पर ऋतुज वो तो मानो थमने को तैयार ही न था। बैग ले जब वो बाहर आया तो कंपनी का ड्राइवर उसके नाम का बोर्ड लिए खड़ा था। कुछ ही देर में वो गाड़ी में बैठा नजारों के बीच से गुजरने लगा। सड़क के दोनों तरफ हरियाली मन को मोह लेने वाली थी। ऋतुज अंदर ही अंदर खिलखिला रहा था। वो तो उतरकर दौड़ना चाहता था, ठंडी हवा को मुंह पर महसूस कर चिल्लाना चाहता था, कह देना चाहता था लो मैं आ गया। पर ड्राइवर ने उसका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। सर, आप यहां क्यों आए? आपको यहां नहीं आना चाहिए था। आप इंडिया से हैं ना? हाँ, तुम्हें हिंदी आती है? ऋतुज को लगा ही नहीं था कि यहां उसे कोई हिंदी बोलने वाला मिलेगा।
सब मेरे पेरेंट्स इंडिया से ही थे, वो इंग्लैंड सेटल हो गए तो मैं भी यहीं कर होकर रह गया। कंपनी आपको कंफर्टेबल महसूस कराना चाहती थी तो मुझे भेज दिया। ड्राइवर आगे बोल पाता ऋतुज ने अगला प्रश्न किया, मुझे यहां क्यों नहीं आना चाहिए था? ड्राइवर का फोन बज उठा। यस सर, यस ही इज विद मी, यस सर ऑफ कोर्स। ड्राइवर किसी से बातें करने लगा। अगले ही मोड़ पर बड़े घर के सामने ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी। सर हियर यू आर। दूर दूर तक वहां कोई और घर था ही नहीं, पर सामने एक बड़ी फैक्ट्री जरूर थी, लंबी चौड़ी जो मीलों तक फैली थी। क्या यहां रहूंगा मैं? सर सामने ही फैक्ट्री है तो आपको आने जाने में दिक्कत भी नहीं होगी, पर अकेले ऐसी जगह, आसपास कोई और घर क्यों नहीं है? और सर मैं और वेट नहीं कर सकता। ड्राइवर ने तुरंत ऋतुज का सामान भी उतार दिया, पर जाते वक्त उसने एक पर्ची मुट्ठी में लिए ऋतुज को दे दी। ओके सर, टेक केयर। ड्राइवर का ऐसा रवैया ऋतुज को अजीब लगा। उसने जब वो पर्ची खोली तो लिखा था, लीव इफ यू कैन। कमाल है, जब से आया हूं तब से ये आदमी मुझे जाने के लिए कह रहा है, अजीब बात है। ऋतुज ने लंबी सांस ली और सामान उठा घर के अंदर चला आया। स्कॉटिश अंदाज में बना यह घर अंदर से महंगी लकड़ियों का बना था। एक बड़ा शैंडलियर हॉल में टंगा था, बेहद पुराना। पूरे घर में लाल रंग का कारपेट बिछा था। चलते वक्त लकड़ी की आवाज वो महसूस कर सकता था। हॉल के एक ओर से गैलरी सीधे किचन में जा रही थी, वहीं दूसरी ओर दो बड़े कमरे थे। एक कमरे में उसने अपना सामान रख लिया, पर दूसरे कमरे से कुछ सीढ़ियां ऊपर जा रही थी। ऋतुज का मन हुआ कि वो ऊपर जाकर भी देख ले, पर दरवाजे पर तभी एक दस्तक हुई। ऋतुज जब बाहर आया तो पाया दो लोग खड़े हैं, बड़े लंबे कोट पहने, दोनों लगभग एक जैसे कपड़ों में थे और दोनों के सर पर हैट थी। यस, ऋतुज कुछ पूछ पाता एक व्यक्ति ने लेटर थमा दिया और फिर दोनों वहां से चले गए। ऋतुज को यहां के लोगों का वर्ताव समझ नहीं आया, दोनों व्यक्ति बिना कुछ बोले यहां से चले गए। फिर उसने लेटर पढ़ना शुरू किया। लेटर में लिखा था, ऋतुज को शाम 9 बजे डिनर के बाद फैक्ट्री पहुंचना है। तो मेरी शिफ्ट रात की है, चलो नई जगह नया स्केड्यूल। जैसे जैसे अंधेरा होने लगा ठंड प्रचंड होने लगी, 7 बजते बजते हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी। पहला दिन होने के कारण ऋतुज को यहां के मौसम का बिल्कुल भी अनुमान ना था। हॉल में फायरप्लेस था तो उसने आग जला ली। इंडिया से वो कुछ खाने का सामान लाया था तो आज डिनर भी वही हुआ। 9 बजे और ऋतुज फैक्ट्री की ओर चला गया। उसके कपड़े यहां की ठंड के हिसाब से थे ही नहीं, तो ठिठुरता कांपता वो किसी तरह फैक्ट्री पहुंचा। फैक्ट्री के बाहर कुछ अजीब मायूसी छाई थी। अंदर आते ही पीटर और अंकुर ने ऋतुज का स्वागत किया। अनदर इंडियन, अंकुर के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। मुझे तो लगा था यहां भारतीय लोग मिलेंगे ही नहीं। ऋतुज भी आश्चर्य में पड़ गया। अरे क्यों नहीं मिलेंगे, अब इंडियंस हर जगह जम चुके हैं। एनीवेज ही इज पीटर, यहां के मैनेजर। तुम्हारा कैबिन वो वहां ऊपर है लैब के जस्ट बाहर। ये रहे तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स, प्लीज साइन देम एंड जब भी टाइम मिले मुझे दे देना। और हाँ, ये तुम्हारा आईडी जिससे तुम पूरी फैक्ट्री को एक्सेस कर पाओगे। कैंटीन नीचे है और रात को सिर्फ तुम ही होगे। ऑफ कोर्स सिक्योरिटी गार्ड्स भी नीचे होंगे ही। एंड यस, 3rd floor इज प्रोहिबिटेड, सो प्लीज मैनेज अकॉर्डिंगली। एंड आवर शिफ्ट हैज एंडेड सो वी आर लीविंग, ऑल द बेस्ट। जल्दबाजी में अंकुर ने बाहर का रास्ता ले लिया। जाने क्या बात थी कि सब के सब फैक्ट्री के बाहर निकलने लगे। पीटर भी ऋतुज को देखता बाहर चला गया। फैक्ट्री अचानक खाली सी हो गई। ऋतुज को लगा हो सकता है सबकी शिफ्ट अभी खत्म हुई हो, पर ऐसा भी क्या कि हड़बड़ी मच गई। ऋतुज ने घड़ी की ओर देखा, ठीक 9:30 बजे थे। एक अजीब सन्नाटा हर ओर पसर गया।
मशीनों के चरचराने की आवाज खामोशी के बीच शरीर को रुक रुक कर भेद जाती। ऋतु जब अपने कैबिन में गया तो उसे पूरी रात क्या करना है इसका विवरण लिखा था। असल में ऋतुज को मशीन की रीडिंग्स पर ध्यान देना था। लैब के अंदर का तापमान कहीं बढ़ तो नहीं रहा, हर इंडिकेटर्स ठीक से तो काम कर रहे हैं, मशीन के अंदर के केमिकल्स नियंत्रण में तो हैं। उसको इन रीडिंग्स को पूरी रात नोट करना था और अगर कोई गड़बड़ हो तो तुरंत अपने सुपीरियर को इन्फॉर्म करके एक्शन भी लेना था। इस फैक्ट्री को वर्ल्ड वॉर दो के जमाने में स्थापित किया गया था, तब से यहां केमिकल्स बनते थे। धीरे धीरे रात गहराने लगी और बर्फबारी तेज हो गई। पहले दिन ही ऋतुज खुद को झोंक देना चाहता था। बारीकी से वो रीडिंग्स नोट करता और डेटा शीट में फीड करता जाता। अचानक उसे लगा उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने झट से मुड़कर पीछे देखा पर वहां कोई न था, पर किसी के चलने की आवाज वो साफ सुन सकता था। कुछ सोचते हुए वो कैबिन के बाहर आया तो पाया बर्फ के निशान है, जैसे अभी कोई बाहर से आया हो और उसके जूतों पर लगी बर्फ नीचे रह गई हो। थोड़ा सोचकर उसने आगे की ओर कदम बढ़ाए तो पाया बर्फ के निशान ऊपर की ओर जा रहे हैं और तीसरे तल पर जाकर खत्म हो गए। यहां तो सिर्फ एक ही कमरा है, वो भी बंद पड़ा है। फिर अंकुर ने तो कहा था यहां आना मना है, तो यहां कोई क्यों आया होगा? संदेहजनक अंदाज में उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की तो पहले तो खुला ही नहीं, पर जब उसने थोड़ा जोर दिया तो झटके से खुल गया। कमरे के अंदर मन को मोह लेने वाली खुशबू थी, शायद किसी लड़की की। ऋतुज खुद को रोक न पाया और वो अंदर की ओर आ गया। कमरे के बीचों बीच कुछ रखा था जिसको लाल कपड़े से ढक दिया गया था। उसने धीरे से वो लाल कपड़ा हटाया तो पाया एक बेहद खूबसूरत औरत की मूर्ति है। ऋतुज कुछ पल के लिए तो उस मूर्ति को ताकता रहा। दाई ओर ड्रेसेस टंगे थे और बाई ओर पुराने जमाने की सिलाई मशीन थी। लगता था मानो कई दिनों से वो कमरा बंद था, पर जब उसकी नजर दीवारों की ओर गई तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। खून के निशान दीवारों को रंग चले थे। अजीब सी भाषा में उन पर कुछ लिखा था। फिर उसे याद आया वो इतनी देर तक कैबिन के बाहर नहीं रह सकता, तो जल्दबाजी में बाहर जाने लगा। जैसे उसने दरवाजा बाहर से बंद किया, एक औरत के हंसने की आवाज ने उसको भ्रमित कर दिया। क्या अंदर कोई था? पर उसके पास समय कम था और वो सीधा अपने कैबिन लौट आया। सुबह कब हो गई उसे पता ही ना चला और उसकी शिफ्ट भी खत्म हो गई। घर आकर वो इस तरह सोया मानो शरीर में जान ही न बची हो। शाम होते होते वो फिर से तैयार था फैक्ट्री जाने के लिए। जब वो तैयार हो रहा था तो उसे लगा कोई खिड़की से झांक कर उसको देख रहा है, पर इधर उधर देखने के बाद भी कोई नजर ना आया। उसकी चीख तब निकल गई जब दरवाजे के ठीक बाहर एक मरा हुआ जानवर पड़ा मिला। खून पसर कर उसके दरवाजे पर जमने लगा। उसने फावड़े की मदद से मरे हुए जानवर को एक किनारे कर दिया। फैक्ट्री की ओर जाते वक्त वह आसपास की जमी बर्फ पर खून के धब्बे देख सकता था। उसे यकीन था कोई उसके साथ खेल रहा है। उसने फैक्ट्री पहुंचते ही अंकुर को सारी बात बताई। तुम क्या थर्ड फ्लोर पर गए थे? अंकुर ने पूछा। ऋतुज सच तो बता ही नहीं सकता था। नहीं तो तुमने मना तो किया था। देन इट्स ओके, जंगली जानवर घूमते रहते हैं तो हो सकता है कोई शिकार खींच कर ले गया हो। चलो मैं चलता हूं। अंकुर ने जल्दबाजी में घड़ी की ओर देखा और फैक्ट्री से बाहर निकलने लगा। कुछ ही क्षण में फैक्ट्री फिर से खाली हो गई। दिमाग को टटोल लेने वाले एकांत ने फिर से ऋतुज को घेर लिया। अपने कैबिन में बैठा बार बार वो यही सोचता रहा, उसने कल रात जो हंसी सुनी वो किसकी थी? अंदर तो कोई था ही नहीं। क्या ऐसा हो सकता है कि कोई लड़की सच में वहां हो? जब उसे रहा ना गया तो वो तीसरे फ्लोर पर पहुंच गया। उसके होश तब उड़ गए जब उसने पाया दरवाजा खुला है, पूरा फ्लोर खून से ढका है और एक औरत खून से लथपथ
एक तरफ कुर्सी पर बैठी है। सामने की दीवार पर वो औरत अपनी उंगलियों से कुछ लिख रही थी। अजीब भाषा थी। आई ओके? ऋतुज ने पूछा, पर कोई जवाब ना आया। वो औरत अपने ही खून को शब्दों में दीवार पर उतार रही थी। ऋतुज सचेत हो आगे बढ़ने लगा। वो उस औरत के करीब पहुंच गया। मैम, आई ओके? जैसे ही ऋतुज ने उस औरत को छुआ, उसकी गर्दन पूरी घूम गई, जैसे हड्डी हो ही ना। उसने अपने पैने नाखूनों से ऋतुज का हाथ पूरा खरोंच लिया। उसका मुंह खुलने लगा और इतना बड़ा हो गया कि उसके मुंह के अंदर से अनेकों कीड़े बाहर आ ऋतुज के शरीर को ढकने लगे। उसके चेहरे को भी उन कीड़ों ने पूरा ढक लिया, मानो उसको खाकर ही दम लेंगे। ऋतुज दर्द में चिल्लाने लगा। वो भागना चाहता था, पर पैर हिल ही नहीं रहे थे। आखिर क्या है उस फैक्ट्री का रहस्य? कौन है वो लड़की? ऋतुज के साथ क्या हो रहा है? सुनाऊंगा आगे की कहानी मिसेस स्टोन भाग दो में। मित्रों, यदि यह कहानी आपको पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारी कहानियां सुनते रहने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप हमें फेसबुक पर सुधांशु राय ऑफिशियल और इंस्टाग्राम पर कहानीकार सुधांशु राय के नाम से खोज सकते हैं।